हे व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं नवनीत कुमार और आज हम दोस्तों करने वाले हैं रिव्यू और बेंचमार्किंग गैलेक्सी आरटीएक्स 2080 सुपर की, जो आपको 8GB वाली मेमोरी के साथ आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। वहीं पर अगर मैं बात करके चलूं इस कंप्लीट मतलब कि इस पैकेजिंग की, तो काफ़ी अच्छी पैकेजिंग है और गैलेक्सी की पर्सनली मैंने एक दो बार मैंने यूज़ किया हुआ है, तो इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। तो लेकिन चलिए इसकी देखते हैं कि आखिर क्या निकल कर चलता है। तो पीछे आपको कुछ इंडिकेशंस मिल जाते हैं कि जैसे कि ये कहाँ कहाँ पर सपोर्टेबल है, किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वहीं पर चलिए इसको बाकी बात करें इस ग्राफिक कार्ड की, तो चलिए उसको हम ओपन करते हैं और देखते हैं कि आखिर हमें इसके अंदर क्या मिलता है। तो गाइज यहां पर हमें जो है अंदर ब्लैक कलर का एक बॉक्स मिल जाता है। इसमें आपको मिल जाता है यहां पर देखने को सबसे पहले यूजर मैनुअल, जिसमें आपको बेसिकली इंडिकेट किया हुआ है कि कौन से पोर्ट कहां कहां पर यूज किया जाएगा और बेसिकली आपको गाइड किया गया है इस ग्राफिक कार्ड के बारे में। तो गाइज ये रहा हमारा यहां पर मेन ग्राफिक कार्ड, और जो काफी एक अच्छा लुक दिख रहा है और बहुत ही यार व्हाइट कलर पर्सनली मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है और आई होप कि आप लोगों को भी काफी पसंद होगा। साथ मिल जाते हैं आपको यहाँ पर दो पावर केबल, जो बेसिकली अगर आपके पास कोई ओल्डर वर्जन है तो आप इसमें लगा करके कनेक्ट करके आप इसको फेस को चेंज कर सकते हैं। और साथ ही साथ में तो गाइज ये रहा हमारा जो एक पैकेज के अंदर है, और काफी यार व्हाइट कलर कंप्लीटली यार काफी इनसेन लुक प्रोवाइड करता है। बाकी आपको यहाँ पर जो है ऊपर की लुक काफी ज्यादा जबरदस्त निकल करके आ रहा है। ट्रायोंड कूलिंग सिस्टम के ऊपर ये वर्क करता है ये ग्राफिक कार्ड, यानी कि ट्रिपल फैन के साथ में, जिसमें मिडल फैन आपको ऑल्टरनेटिव स्पिन के ऊपर वर्क करता है, जो एक बेटर कूलिंग में काफी लाजवाब है। साथ ही में आपको यहाँ पर जो है राइट साइड में यहाँ पर आपको इसका लोगो देखने को मिल जाता है इस गैलेक्सी का, और वहीं पर ये जो ग्राफिक कार्ड है बेसिकली क्यूडा कोर 3072 आपको देखने को मिलता है। वहीं पे बूस्ट क्लॉक आपको यहाँ पर जो है 1845 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी के साथ देखने को मिल जाता है। वहीं पर अगर मैं बात करके चलूँ इस ग्राफिक कार्ड के नीचे मिडल में जो आपको यहाँ पर कूलिंग फ्रोजर कूलिंग बेसिकली मिलता है देखने को, तो वो भी हीट सिंक भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको थिक देखने को मिलता है। वहीं पर DDR6 मेमोरी इंटरफेस वाला आपको यहाँ पर ये देखने को मिल जाता है पोर्ट, और साथ ही साथ में अगर मैं बात करके चलूँ इसके जो नीचे के साइड में जो मल्टीपल पोर्ट्स जो आपको अवेलेबल मिलते हैं, जो डिस्प्ले पोर्ट बेसिकली आप इसको कह सकते हैं कनेक्टर्स, जो आपको 3 DP पोर्ट मिल जाते हैं 3.0 PCI वर्जन वाले, और साथ ही साथ में आपको जो है यहाँ पर HDMI 2.0 भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। बाकी जो इसके जो पोर्ट्स हैं मल्टीपल डिस्प्ले के ऑप्शन को भी क्रिएट कर देता है इस तरीके से। और वहीं पर अगर मैं बात करके चलूँ इसकी टोटल वेट, तो काफ़ी ज़्यादा वेट तो है, मतलब हैवी तो है दोस्तों, ऑब्वियसली सी बात है काफ़ी बड़ा है, और इसको बेसिकली एक बेटर कूलिंग और इसको अपग्रेड करके बेसिकली फ्रॉजर कूलिंग और साथ साथ में इसकी जो हीट सिंक को भी काफ़ी ज़्यादा हैवी कर दिया गया है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि यार दोस्तों कुछ ना कुछ तो ये अफेक्ट तो करता ही है ग्राफिक कार्ड के वेट के ऊपर। बाकी अगर मैं बात करके चलूँ तो इस मेमोरी स्पेक के बारे में, तो ये इसका मेमोरी स्पीड 15.5 GBPS की आपको देखने को मिलती है, जो स्टैंडर्ड मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन जो आपको 8GB की आपको देखने को मिली रही है। 256 बिट का आपको यहां पर GDDR6 मेमोरी इंटरफेस जो आपको देखने को खैर मिली जाता है। तो गाइज चलिए देखते हैं फटाफट हम इसकी अब जल्दी से बेंचमार्किंग, सो लेट्स स्टार्ट। Warm you up, baby, please. Let me love you much. Come on, come on with me, baby. Oh, oh, oh. Never ever leave without me. Oh, oh, oh. Baby, now let me warm you up. Oh, baby, please. Let me love you much. Baby, baby, don't be cold. I will warm you. Every day I reach out sweet as a heart.